विज्ञापन का स्तर आजकल इस तरह से इंटरनेट पर चीज़ें तैर रही हैं कि उसके छलावे में आकर पूरी एक भीड़ जो है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की ओर दौड़ रही है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, और उसी का नतीजा है ऐसी लापरवाही। अब ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं जर्जर, ये तो बेसमेंट की घटना हुई है, कुछ दिन पहले आग लगी थी मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में, अभी कुछ दिन पहले करंट के कारण एक छात्र भाई की मृत्यु हो गई। UPSC इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्लॉक IAS पूजा खेड़कर से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे तक में UPSC की चयन प्रक्रिया से लेकर UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे तक हर कोई इस समय चर्चा के विषय में है। और हमें आज एक ऐसे व्यक्ति से बात करने आए हैं जिन्होंने UPSC की तैयारी भी की है, उसको लिखा भी है, उसको गाया भी है और उस पूरी प्रक्रिया को जिया भी। हमारे साथ तिरुपति मृणाल हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। जिसका जो मुकाम है छोटे कस्बों और शहरों से आए लड़कों का, उसके पीछे कोई सहारा नहीं है, वो आए हैं खुद चल के, तो यही है। ये गांव देहात के लड़के, कई बाधाओं से लड़के, ऐसे ही बहुत सारे लड़के दिल्ली आते हैं तैयारी करने आते हैं, उनमें से चार अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि आपके साथी, आपके भाई, आपकी बहन जो IAS की तैयारी करने, UPSC की तैयारी करने दिल्ली में गए और एक कोचिंग में पढ़ते वक्त, एक लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त लापरवाही से उनकी जान चली जाए, तो इससे ज़्यादा विडम्बनापूर्ण घटना कुछ नहीं हो सकती। मतलब इसको मैं शब्दों की लफाजी से क्या बताऊं कि ये कितना बुरा और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना दुख देने वाला है। दिल्ली में रहकर आपने भी तैयारी की है, आपका कैसा अनुभव रहा जब आप वहाँ तैयारी करते थे, उस समय क्या माहौल था और आज जो परिस्थितियाँ, आप वहाँ जाते भी होंगे, वहाँ के बच्चों से बात भी करते होंगे, कितना परिवर्तन है या पहले भी चीज़ें ऐसी ही थी? भीड़ बढ़ गई है और मैं कहूँ कि भीड़ भी बढ़ने से ज़्यादा ये है कि कम जगहों में ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। यानी कि कोचिंग संस्थान जो पहले कोचिंग की तरह पढ़ाते थे, यानी कि 100 लड़कों की कक्षा, 100 लड़के लड़कियों की होती थी, जिसमें एक टीचर हर विद्यार्थी पर ध्यान दे पाता था, उनको पता होता था कि किस में कितनी संभावना है, किस पर मेहनत करना है। अब वहाँ भीड़ है, अब वहाँ क्लास के जगह पर रैलियाँ होती हैं, एक कक्षा में 700-800 लोग ठूसे गए हैं और वो 700-800 लाख के लायक कक्षाएँ नहीं हैं, ना ही वो सुरक्षा के लिहाज से हैं, ना ही वो क्षेत्रफल के लिहाज से है कि उसमें आराम से बैठा जा सके। तो वैसी स्थिति में इसलिए कि पूरा बाजार है, कहीं से भी कोई आए एडमिशन ले लो, कहीं से भी कैसे आए उसको ठूस लो और रिजल्ट ना भी दो तो प्रचार प्रसार विज्ञापन का स्तर आजकल इस तरह से इंटरनेट पर चीज़ें तैर रही हैं कि उसके छलावे में आकर पूरी एक भीड़ जो है मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की ओर दौड़ रही है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, और उसी का नतीजा है ऐसी लापरवाही। अब ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं जर्जर, ये तो बेसमेंट की घटना हुई है, कुछ दिन पहले आग लगी थी मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में, अभी कुछ दिन पहले करंट के कारण एक छात्र भाई की मृत्यु हो गई। तो आप समझिए कि रिजल्ट तो अलग बात है, अब जान बचाना जहाँ मुश्किल हो जाए, जहाँ कोचिंग में, जहाँ पढ़ना जान से हाथ धोने जैसा हो जाए कि अब ये एक जरा सी लापरवाही हो और हम अपनी जान खो दें, तो ये तो बहुत बदल गया है ना वो जगह। शिक्षा की मंडी बन गई है, इसको आप बताया, मुझे बताइए आपने, हमने देखा जब प्रोटेस्ट हुआ कुछ शिक्षकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो अवध होजा हों, विकास देवी कीर्ति हों, इनको टारगेट कर रहे हैं तो, और उनका ये कहना कि हम पे ही क्यों, आप कैसे देखते हैं कि बच्चे उन्हीं से क्यों इतनी उम्मीद लगा के बैठे, बाकी और किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये हमला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर छात्र अपने अपने दुख, अपने व्यथा में कोई बात कह रहा है तो ये हमला करना तो नहीं हुआ, कहीं कोई रैली निकाल के हमला तो नहीं किया जा रहा है कि ये तो कहा जा रहा है कि जो कोचिंग के द्वारा 3-3, 4-4 लाख की फीस ली जाती है, तो विद्यार्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि हम 3 लाख रुपए देकर एक सुरक्षित कक्षा में पढ़ाई पढ़ेंगे कि नहीं, साफ पानी, साफ हवा, अच्छा लाइट और धूप रोशनी आने वाला, या लाइट बल्ब जलने वाला, और आराम से बैठ के पढ़ाई करने का कक्षा दीजिएगा कि नहीं, ये मांगना किसी पर हमला करना तो नहीं है। दूसरा बात है कि किससे मांगा जाए, तो भाई जिसकी जैसी दुकान उतना ग्राहक। अब आपने इंटरनेट पर दुकान अगर खोली है, आप ही इंटरनेट पर दिखेंगे, रोज आपका रील तैरेगा और उसी को देख के कोई विद्यार्थी प्रभावित होकर आएगा और उसी की संख्या ज़्यादा है, तो वो आपके विद्यार्थी हैं, आपको टारगेट नहीं कर रहा है कोई, वो आपके विद्यार्थी हैं जो आपसे कह रहे हैं कि सर हम 3 लाख रुपए देकर, अब रिजल्ट तो हम भूल गए हैं सर, वो तो पहले भी नहीं हो रहा था अभी पिछले 5 साल, अब हम रिजल्ट के बारे में क्या सोचे, पहले जान बचाना है हमको। और मज़े की बात ये है, आपने मंडी शब्द कहा तो निश्चित रूप से वहाँ हम हीरा तराशने के लिए वहाँ लड़के जाते थे, लड़कियाँ जाती, वहाँ विद्यार्थियों की प्रतिभा को तराश के हीरा निकाला जाता था UPSC के लिए, लेकिन आज के दिन में वो बाजार का हीरा मंडी हो गया है, ये हालत है वहाँ पे।
तो ऐसी स्थिति में आक्रोश होना और अपने शिक्षक से अपने जान माल की सुरक्षा का गारंटी मांगना 3 लाख रुपया दे के, ये हमला करना नहीं है। आप युवाओं की आवाज़ हैं और युवाओं से बात लगातार चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में युवा अवसाद भी जाता है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अवसाद में चले गए, आत्महत्या कर ली, तमाम चीज़ें कर ली। आपने ही प्रयास किया था, नहीं हुआ था तमाम चीज़ें, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि अवसाद को कैसे देखते हैं और युवा उसका सामना कैसे करें? ये बात सही है कि जो अवसाद वाली बात और आत्महत्या वाली बात, पहले हम लोग कोटा वगैरह से खबरें आती थी, इंजीनियरिंग का तैयारी करने वाला छात्र ऐसा कर गया, मुखर्जी नगर जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्थानों पर ऐसी बातें नहीं सुनाई पड़ती थी। उसका जानते कारण क्या था, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे ना, वो एक अभिभावक की तरह आपके पीछे खड़े होते थे और वो बताते थे कि अगर आपका चयन यहाँ पर नहीं भी हुआ तो इस पढ़ाई के कहाँ कहाँ क्या सदुपयोग है। मैं खुद, आपने जिन शिक्षक का नाम लिया मैं उनसे खुद पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझे खुद कक्षा में कहा कि नीलोत्पल नहीं, अगर IAS होगा तो बहुत दुनिया खुली हुई है, और मैं भी अपना काम कर ही रहा हूँ। यानी कि तब शिक्षक अभिभावक की तरह खड़े रहते थे, पढ़ाते भी थे गुरु की तरह और हिम्मत देते थे एक पिता की तरह, एक भाई की तरह। वो बाजार ने वो सम्मान छीन लिया, वो भावनात्मक सहयोग और वो जो भावनात्मक लगाव तो छीन लिया। 700 लोग स्क्रीन पर टीचर को देख रहा है, कोई भावनात्मक लगाव है नहीं। इस कारण से मुखर्जी नगर और UPSC की तैयारी करने वाले लड़के भी डिप्रेशन में जाने लगे और वहाँ से भी अजब के दुर्भाग्य है, आत्महत्या की घटनाएं आने लगी। मतलब ये अविश्वसनीय है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, और अब क्या किया जा सकता है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मानना होगा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ बच्चों को कहा जाता है कि अर्जुन की तरह निशाना लगा के रखो, एक लक्ष्य पे लगे रहो, यानी UPSC को एम कर लो, लेकिन क्या प्लान भी होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है ना कि इतने सारे बच्चे हैं, चयन तो गिने चुने का ही होगा, तो कैसे प्लान भी होना चाहिए या कुछ उसी में लगे रहो और ना हो तो फिर? दो स्तर पर ये बात है। एक तो कि विद्यार्थी के स्तर पर आपका प्लान भी तो होना ही चाहिए, केवल UPSC के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो प्लान भी आपके पास होना ही चाहिए, एक बैकअप तो होना ही चाहिए। और दूसरा मामला है कोचिंग की तरफ से, जो आपको कहता है कि हम बैल से दूध निकाल के देंगे, विज्ञापन भी तो इतना खतरनाक है। अभी मैं 3 दिन पहले एक विज्ञापन देख रहा था कि एक दिन में 30 घंटे कैसे पढ़ें, एक दिन में 30 घंटे पढ़ने के लिए हमारी कोचिंग में आए। सोचिए कि सूर्य की गति को भी अपने नियंत्रण में कर लिया है, पृथ्वी की गति को, सूर्य जो अपने धुरी पर घूम रहा है उस घूर्णन गति को कंट्रोल कर लिया है। हाँ, सोचिए तो अब जहाँ अक्षांश देशांतर भी कोचिंग के कब्जे में है, वहाँ आप कैसे प्लान बी पर फोकस ही तो नहीं होने देता है। नहीं, मजे की बात तो ये भी है कि वो आपको प्लान ए के बारे में नहीं बोलता है, आप कक्षा में घुसते ही प्लान बी के बारे में बोलने लगता है, ये गलत है। प्लान बी विद्यार्थी की जिम्मेदारी है, वो उसके दिमाग उसके जहन में रहता है, लेकिन कोचिंग का काम है प्लान ए के बारे में, क्योंकि पैसा वो प्लान ए का रहता है, पैसा प्लान ए का लिए है, फीस प्लान ए का लिए है। कोचिंग अगर प्लान बी और प्लान सी डी बताने लगेगा तो फिर दिक्कत है। कोचिंग को शिक्षक को पिता और भाई के तौर पर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग इसलिए हम करने जाते हैं क्योंकि हमें स्कूल और हमें विश्वविद्यालय ने अगर इस तरह की क्वालिटी पढ़ाई दी होती हिंदुस्तान में तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ज़रूरत है तो फिर अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है जो मेंटर बन के हमें सहायता करें।